विते जी, ये सियापा ही हो गया है, कहाँ से आ गया ये कोरोना, साढ़े इतने सियापे हो गए जी जिंदगी बिच जी, है कि हो गया जी सानू, है कदो जाएगा जी, है ये करने के बजाय चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी और क्या। तो लोग इस प्रकार से चिंता में लगे हुए, तो इस प्रकार से चिंता से उनको बाहर निकलना चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल फिटनेस पे काम करें, इमोशनल फिटनेस पे काम करें, फिजिकल फिटनेस पे काम करें, खुद के साथ भी समय बिताएं। जिनके साथ हम समय नहीं बिताते हैं, हम खुद के साथ समय नहीं बिताते। वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर ओन सेल्फ, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस बात से भी आते हैं, भला भगवान ने कष्ट क्यों बनाया, ये दुख भला भगवान ने क्यों बनाया ये? क्योंकि अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो दुख भी किसने बनाया? भगवान ने बनाया होगा। तो भला भगवान ने दुख बना क्यों बनाया? कोरोना वायरस जैसे कि दुखी तो है इतना का, तो भला दुख क्यों बनाया? जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई लड़का हो उसको लड़की बहुत पसंद हो, तो लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या करता है, अपने ही दोस्तों को बोलता है कल शाम को ना कॉलेज से निकलेगी मिरांडा कॉलेज से, वो तुम लोग ना उसको पीछा करना उसको ना सीटी वीटी मारना, उसको थोड़ा छेड़ना वेड़ना, तो मैं ना सामने से आ ही जाऊंगा, उसके बाद ना वो मेरे पास आएगी जब, तो मैं तुम लोगों को ना घूंसा मार के भगा दूंगा, तो तुम लोग भाग जाना। ठीक है समझिए। तो अगले दिन जैसी लड़की मिरांडा कॉलेज से बाहर निकली, ए छप्पन छोरी, अरे काय को, अरे अपुन को, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो, अरे तो बदमाश लोग कहाँ से आ गए, सामने से हीरो आ जाएगा, टहलता टहलता ऐसे उसको कुछ पता नहीं है, अरे राजू इन गुंडों से मुझे बचाओ। राजू कहेगा अरे मैं इनको देख लूंगा, उसको किनारे कर देगा, ए तुम्हारे तो तुष्ट करके, और वो लोग भाग जाएंगे और ये इसे इंप्रेस हो जाएगी, वाओ माय हीरो माय राजू, राइट? सो दैट्स द प्लान, है ना? लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि ना लड़की ने ऐसा प्लान तो किया और लड़की ना लड़की को छेड़ रहे थे और लड़की ने क्या किसी और के पीछे भाग ली, वो ले यार तो प्लान ही फेल कर दी, तो किसी और के साथ ही निकल गई ये तो। हम मुझको लगा था मैं सामने आऊंगा मेरे को देखिए मेरे पास आएगी, तो ये तो किसी और के साथ निकल गई। वर्स्ट वो उन गुंडों के साथ ही मिल गई, कहते हाँ तुम लोग अच्छा अच्छे लोग हो वैसे यार, इतना अच्छा लगा मुझे छेड़ा तुम लोगों ने ना, आई रियली लाइक इट, यू गाइस आर ऑसम। तो ले कहते तो यार उन्हीं के साथ मिल गई, ये तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा भाई। तो आइडली क्या करना चाहिए लड़की को, भाई हीरो के पास आना चाहिए, राजू है ना, राजू ने तो कुछ किया है, राजू के पास आ जाए वो। तो प्रभु ने दुख इसलिए बनाए, ये जो दुख है वैसे गुंडे हैं, ये किसी भेजे हुए गुंडे हैं, ये प्रभु के बनाए हुए गुंडे हैं ये, ताकि हम प्रभु के पास ही आ जाएं कि प्रभु बड़े दुख है, कोरोना ने हमको बड़ा दुख दिया है हमको, इसलिए प्रभु अब आप कुछ करो ना। तो प्रभु के पास आ जाएं तो भगवान जो है सारे दुखों को मिटा देंगे, दूर कर देंगे, हमारे जीवन में सुख भर देंगे। अगर हम इन दुखों में मिल गए, बढ़िया कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन अब दुख तो है जी, और क्या, अब प्रभु प्रभु से क्या होता है, दुख तो लगे रहते हैं, दो क्या हो गया, ये तो बंदे में हिम्मत होनी चाहिए, वो लगा रहे हैं इनके पीछे और क्या है? वो लड़े इन सबसे कोरोना से, क्या होता कोरोना, हम तो कोरोना के बाप से भी लड़ लेंगे हम। कहता अरे भाई तुम, ये थोड़ी प्लान था, प्लान तो ये था कोरोना से डर के दुख से दूर जाके हम प्रभु के पास चले जाएं, दैट वाज अ प्लान। तो संसार में भगवान ने दुख इसलिए मनाए थे ताकि संसार के टुच्चे सुखों में रमने के बजाय प्रभु के संग में आके परमानंद का अनुभव कर ले हम। लेकिन हमने उन टुच्चे सुखों में ही अपना रमना सोच ले कि हम इसको वैसे वैसे करके जो है इस तरह से हम संसार में खुश रहेंगे, हम कुछ टाल मटोल करेंगे, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर लेंगे, एंड दिस वे वी विल बी हैप्पी। तो भगवान ने जुगाड़ के द्वारा समस्याओं का स्टॉप गैप सोल्यूशन देने के लिए ये समस्याएं नहीं बनाई थी, समस्याएं ऐसी थी ताकि अल्टीमेटली हम प्रभु के नजदीक जाएं, वी बिकम मोर स्पिरिचुअल, वी गो नियर टू कृष्णा, ऐसा। और इस तरह के इवेंट जब होते हैं दे एक्चुअली इंस्पायर टू गो क्लोजर टू कृष्णा। जैसे भगवद गीता का जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है विषाद योग। विषाद का मतलब क्या होता है, मिजरी, या उसके बाद अगले चैप्टर का नाम क्या है, सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है एनालिसिस, क्या प्रभु है क्या प्रभु नहीं है, क्या मैटर है क्या स्पिरिट है, इस सब का एनालिसिस शुरू होता है, बट दैट इज चैप्टर टू। लेकिन चैप्टर वन क्या है, विषाद योग। तो भगवद गीता का पहला चैप्टर भी विषाद योग है, क्योंकि विषाद योग के बाद व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलती है कि ना अब सांख्य यानी कि एनालिसिस किया जाए, ये बड़ा दुख क्यों है। जब तक स्पिरिट मैटर में खुशियां ढूंढती रहेगी, ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है।
क्योंकि हमारे आचार्य कह रहे हैं जब तक संसार में दुख का बेसिकली कारण क्या है, दुखों से दूर भागने की जद्दोजहद और हमेशा सुख में रहने की जद्दोजहद, ये दुख का कारण है। ये जो मैरी गो राउंड वाला रेस लगी हुई है ना, दुख से दूर भागो और सुख के पीछे भागो, दुख से दूर भागो सुख के पीछे भागो, ये जो जद्दोजहद है ये दुख का कारण है वास्तव में। जैसे अगर कोई व्यक्ति जाए किसी डिस्कोथेक में, डिस्कोथेक में ना ऊपर लाइट चल रही हो, लाइट का 1/4 हिस्सा जो है उसमें रोशनी है और जो 3/4 हिस्सा है उसमें रोशनी नहीं है। जो रोशनी में रहेगा उसकी लाइफ में सुख रहेगा, और जो बिना रोशनी वाले हिस्से में रहेगा 3/4 में रहेगा उसकी लाइफ में दुख रहेगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग कोशिश करेंगे ना वो रोशनी वाले में रहे, और वो घूम रहा है ऐसे जैसे डिस्को वाला होता है ना, घूम रहा है वो, तो लोग कोशिश करेंगे हम उसके नीचे ही रहे ऐसा, पर ये तो घूम रहा है। तो यानी किसी की लाइफ में सुख और दुख बने रहेंगे, लेकिन दुख ज्यादा बने रहते हैं सुख कम, क्योंकि 1/4 लाइट वाला हिस्सा है, 3/4 अंधकार वाला हिस्सा है ऐसा। तो जो रोशनी में आए थे कहते हैं हमारी लाइफ में तो सुख ही सुख है, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, अपने दम पे बना जो मैं बना, हमारी मेहनत थी, मेरा फोकस था, मेरी कॉन्सेंट्रेशन थी, और इसीलिए आज जो मैं हूं अपने दम पर हूं। वो भाई ऊपर से लाइट निकल गई, आ गया अंधेरे में आ गया, कहते यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भला, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, लाइक दैट। फिर जो लोग अंधकार में थे वो लाइट में आ गए, कहते चलो अब अच्छा है, दुख चला गया सुख आ गया, लेकिन ये भी बीत जाएगा। तो ये सुख और दुख की जो डुअलिटी है, जब तक हम इसमें पड़े रहेंगे व्यक्ति दुखी ही रहेगा। इसलिए ना हमें सुख में रहना है ना दुख में रहना है, हमें आनंद में रहना है। आनंद जो है वो तो कृष्ण कहते हैं, आनंद भगवान श्री कृष्ण के नाम है, एक वन ऑफ द नेम ऑफ कृष्ण इज आनंद, उनका नाम है आनंद। लोग अपना नाम रख लेते हैं आनंद, लेकिन उनकी लाइफ में कोई आनंद होता नहीं है, वैसे वो निरानंद है, नाम है आनंद। जैसे व्यक्ति था उसकी अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है सत्य बोलो सत्य, किसने पूछा भाई किसकी अर्थी जा रही है, तो व्यक्ति ने बताया ये अमर की अर्थी है, अमर मर गया, क्योंकि नाम और नामी में भेद है संसार के अंदर, लेकिन ठाकुर जी में उनके नाम में और नामी में भेद नहीं है, उनका नाम आनंद है, क्योंकि वो ही आनंद है वास्तव में, वही आनंद है। जैसे इस तरह के जब इवेंट्स कभी होते हैं, जैसे कोरोना वायरस का ये हुआ, इट इज बेसिकली टू इंस्पायर अस टू गो नियर टू कृष्णा, ऐसा। ये व्यक्ति था, उसके बाद इसका आर्टिकल आया था बैक टू गॉड मैगजीन के अंदर, उसकी वाइफ ने उसको स्क्रू करा था अच्छे तरह से, उसको तलाक के आरोप लगाए हुए थे, इसने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया था बेचारे ने, बेचारा बहुत दुखी था, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर था उसकी वाइफ का, इससे पैसा लेगी उसके साथ सेटल हो जाएगी, बच्चे कहना नहीं मानते थे, जितना इसका बिजनेस से पैसा था ये सब डिवोर्स का उसकी मनी में ले गई, वो रेम्यूनरेशन में, बेचारा कहीं का नहीं रहा एकदम। तो उसने सोच लिया मर ही जाए अब तो यार, लाइफ में ना कुछ नहीं बचा, अब तो लाइफ में ना कोई रंग है ना ढंग है, जिंदगी कटी पतंग है, मर जाओ यार। तो उसको था मैं आत्महत्या तो करूं, लेकिन ना सबसे कम दर्द देने वाले तरीके से आत्महत्या करूं। तो कहते वो नस काटूंगा उससे भी दर्द होगा, बिल्डिंग से छत के बल सर के बल कूदूंगा तो भी दर्द होगा, अगर कुएं में अगर पाँव में ईंट बांध के कूदता हूँ तो भी दम घुटेगा उससे भी दर्द होगा, और हार पे पी लेता हूँ उससे भी नसें वसें कटेंगी उससे भी दर्द होगा। तो काफ़ी रिसर्च करके उसने फिर पता किया आत्महत्या करने का सबसे कम दर्दनाक तरीका है कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घोट करके मर जाना। तो उसने क्या किया, अपने गाड़ी में बैठ गया, सारे शीशे ऊपर कर दिए उसने, डिप्रेशन में था, कहते जिंदगी क्या है बेकार है अपनी जिंदगी, और क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने पंप खोल दिया, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती रहेगी इससे, निकलते निकलते बाद में दम घुट जाएगा और ऐसे मर लेगा, फिर ये प्लान था उसका। अब ना कार्बन मोनोऑक्साइड का जो था ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे निकल रही थी यार, बहुत धीरे धीरे निकल रही है यार, तो बहुत टाइम लगाएगी ये तो, ये पूरा भरने में बहुत बोर हो रहा था वो, क्या कहते कैसे मतलब डिप्रेशन भी हो रखा है, टाइम भी नहीं कट रहा है, धीरे धीरे निकल रही कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको काफ़ी हिलाया विलाया भी कम निकल रही थी उसमें से, उसको थापी वापी मारी लेकिन वो उतनी निकल रही थी उसमें से। तो तभी जो है उसके शीशे पे किसी ने नॉक किया, कहते आप ये भगवद गीता लेंगे आप, उसने कहा ये पता नहीं कब तक निकलेगी, ये टाइम पास ही कर लेते हैं। तो उसने नीचे कहा कितने कितने की है, कहता उसने भक्त ने बताया $5 की, इसने उसको $20 पकड़ाया, कहते कीप द चेंज, मैं तो मर रहा ही मैं क्या करूँ चेंज का, शीशा ऊपर कर दिया उसने और उसने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो गीता पढ़ते पढ़ते उसको 1 घंटा हो गया, 1 घंटा गीता पढ़ते पढ़ते इतना एब्जॉर्ब हो गया, एंड ही केम टू रियलाइज दैट ही इज नॉट द बॉडी ही सोल ही बिलोंग्स टू कृष्णा। उसको लगा क्यों मर रहा हूँ यार, उसने उसका बंद किया कार्बन मोनोऑक्साइड का, सबसे पीछे देखा एड्रेस देखा कौन कौन से लोकल सेंटर है, वहां जाके फुल टाइम ज्वाइन कर लिया उसने।
सो ही बिकेम कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या आ गई, कलैमिटी आ गई, कलैमिटी की वजह से ही बिकेम डिवोटी. अच्छा हो गया है तो हमारे एक महाराज, उनका नाम भक्ति दसामेद महाराज, वेन ही वाज देयर एज़ अ देवामृत प्रभु, जब वृंदावन में थे एज अ टेम्पल प्रेसिडेंट, तो हुआ क्या सम्भव एट दैट टाइम वो कुछ ना कुछ सेवा में थे तो गाड़ी में आग लग गई, उस वजह से उनको बर्न्स आए. सो 60-70% बॉडी में बर्न्स थे उनके, और उनको फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ था, काफ़ी इंजरीज थी उनको. इस वजह से उनको डॉक्टर ने बोल दिया यू आर बेड रिडन फॉर 6 months, अब 6 महीने आप बिस्तर से नहीं हिल सकते. तो बड़े खुश हो गए वो. तो भक्त ने पूछा प्रभु जी आप इतनी सेवा करते हैं, वृंदावन धाम में आप सेवा कर रहे हो, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं आप, फिर भी आपके साथ ऐसा हो गया और आप खुश हैं कि आपको 6 महीने यू आर बेड रिडन ना. तो प्रभु जी ने कहा नाउ ही इज महाराज, ऑफ कोर्स एट दैट टाइम ही वाज प्रभु जी, देवामृत प्रभु जी. उन्होंने कहा मैंने अब मेरी बड़ी इच्छा थी मैं बृहद भागवतामृत पढ़ूं श्रील सनातन गोस्वामी का, लेकिन बहुत बिजी रहा था, बिजी चल रहा था सेवा में, तो इसलिए समय नहीं निकाल पाता था मैं पढ़ने का. अब 6 महीने है मेरे पास और कुछ नहीं है, आई जस्ट चैन हरे कृष्णा एंड रीड बृहद भागवतामृत आराम से. सो दैट मीन्स आई एम वेरी हैप्पी, कृष्णा हैज फुलफिल्ड माय डिजायर, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी. तो इसीलिए दैट इज भले ही ये डार्क साइड हो आज, बट वी शुड ट्राई टू सी द ब्राइट साइड ऑफ दिस डार्क साइड, तो जो है हम इस कलैमिटी का जो समय है इसे निकल पाएंगे. फाइनली इट इज अल्टीमेटली अ टाइम टू गो नियर टू कृष्णा, ये भगवान के नजदीक जाने का तरीका है, एक 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 तरह का अवसर है ये वास्तव में कि हम भगवान के और नजदीक जाएं.